दोस्तों क्या हो अगर आप किसी एटीएम से 500 रुपए निकालो और उससे 2500 निकल जाए और आपके फोन पर भी सिर्फ 500 रुपए कटने का ही मैसेज आए। सुनने में आपको ये जरूर अजीब लग रहा होगा, पर हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक एटीएम के साथ कुछ ऐसा ही हो चुका है। नागपुर के इस एटीएम से जब एक आदमी ने 500 रुपए निकाला तो उसे 100 के 5 नोटों के बजाय 500 के 5 नोट मिल गए, जो कि कुल मिलाकर 2500 रुपए हो रहे थे और उसके बैंक से भी मात्र 500 रुपए ही कटे थे। उस आदमी को लगता है कि शायद ये गलती से हो गया होगा, लेकिन जब उसने दोबारा 500 रुपए निकाला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि फिर से 100 के 5 नोट की बजाय 500 के 5 नोट निकल जाते हैं और दोबारा मैसेज भी सिर्फ 500 रुपए कटने का ही आता है। इसके बाद ये खबर पूरे गांव में ही काफी तेजी से फैल गई और लोगों ने इस एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर भीड़ लगा ली। लेकिन उन्हीं में से एक आदमी ने ये खबर वहां की पुलिस को दे दिया। जब तक वहां पुलिस आती है तब तक वहां से लोग अपने घर जा चुके थे। जब पुलिस वालों ने इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चलता है कि ये एटीएम के अंदर एक ग्लिच आ जाने की वजह से हुआ था, जिसमें कि एक 500 के नोट की बजाय 500 के 5 नोट निकल रहे थे। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ?